आदिवासी दिवस मुख्यालय पर सादगी के साथ मनाया गया, मगर आदिवासी समाजजनों ने मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर रैली में शामिल हुआ। बिस्टान रोड से निकली रैली में परंपरागत तीर कमान लेकर निकले समाजजनों ने देशभक्ति गीतों के साथ हमू आखा एक छे के नारे लगाए। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए मंडी पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। यहां वक्ताओं ने एक स्वर में मणिपुर हिंसा के लिए केंद्र व मणिपुर सरकार को कसूरवार बताया। कहा कि आदिवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंसा के लिए पूर्ण रूपेण सरकार जिम्मेवार है। समाजजनों ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस सप्ताह के रूप में मनाया गया है। मणिपुर हिंसा में हमारी आदिवासी बहनों के साथ हुए दुर्व्यवहार से समाज आहत है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हिंसा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार क्या है कि पिछले माह मणिपुर में जो घटना हुई थी, हमारी आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया हुआ था, उस रूप में हम लोग मौन रैली के रूप में रैली निकाल गई है। काली पट्टी भी बांधी है क्या? हम लोग काली पट्टी बांधकर सरकार को दिखा रहे कि हम उनका विरोध करते हैं। सरकार आदिवासी विरोधी है। सभी दल के लोग आपको स्वागत कर रहे हैं? नहीं, सभी कुछ दल भाजपा को छोड़ के बाकी दल का सहयोग मिला, उनका स्टॉल भी लगा, नाश्ता की व्यवस्था भी की गई, पानी की व्यवस्था भी की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कोई एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी, हमें ऐसा लगता है कि उनको आदिवासी की वोट नहीं चाहिए और भाजपा पार्टी आदिवासी विरोधी है, इसके कारण आदिवासी के विश्व आदिवासी दिवस में हमारा स्वागत उनके द्वारा नहीं किया गया है। कोल्लू खोड़े जय जिला खरगोन। योजना द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम जिलाश्री खरगोन में मना रहे थे। हम लोगों ने साप्ताहिक प्रोग्राम का निर्णय लिया था, पूरे सामाजिक संगठनों और जेएस से मिलकर 1 तारीख से 20 तारीख तक। पहला प्रोग्राम हमारा 6 तारीख भगवानपुरा था और दूसरा प्रोग्राम 9 तारीख को जिला स्तरीय प्रोग्राम। सभी ब्लॉकों के लोग, हमारे तरफ से सामाजिक संगठन और हमारे सभी भाई बहन खरगोन जिले के उपस्थित हुए हैं और हम विशेषकर जो हमारा मणिपुर में जो हमारी बहनों को निर्वस्त्र होकर घुमाया गया, उसके विरोध में हम लोग काली पट्टी बांध कर और तकिया लगाकर ये विश्व आदिवासी दिवस उन्हीं को समर्पित करते हैं। हमारा जो रैली निकली है वो तंजा भीम चौराहा तिराहा विस्तार नाके से होकर श्री कृष्ण चौराहे से होकर और बीआईटी कॉम्प्लेक्स में स्थानीय विधायक द्वारा खिचड़ी का प्रसादी रखी गई है, वहां से सीधे मंडी में जाएगा और मंडी में जाकर हमारा आम सभा शुरू होगी। मेरा नाम सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष और जय जिला प्रभारी खरगोन मध्य प्रदेश। आदिवासी दिवस प्रति वर्ष जो है हम हंसी खुशी ढोल मांडल डीजे के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में मनाते आए हैं, लेकिन इस वर्ष देश भर में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार, साथ ही मणिपुर में जो 3 महीने से घटनाएं घटित हो रही है, हमारे समाज की आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उसके विरोध में विश्व आदिवासी दिवस उन मृतक आत्माओं को समर्पित करते हुए शोक के साथ विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कहाँ से कहाँ ये टंटिया मामा तिराहा बिस्तान नाका से रैली श्रीकंठ टाकीज टीआईटी होते हुए मंडी प्रांगण में पहुंची है। वहां पर हम जो है संविधान में दिए गए प्रावधानों पर सरकारों ने साल भर में कितना काम किया, कितना करना चाहिए था, उसकी समीक्षा और उसके विचार मंथन पर सभा कर रहे हैं। किस प्रकार का विरोध किया आपने? काली पट्टी बांध कर देश के आदिवासी बचाओ, देश की महिलाओं को बचाओ, देश में आदिवासियों को संविधानिक अधिकारों को लागू करो, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची को लागू करो के नारों के साथ भी हमने यह कार्यक्रम मनाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।